नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीक न्यूज। सनातन धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। इस बात से समझा जा सकता है कि गाय हिंदू समाज के लिए पूजनीय क्यों है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी की भावनाओं के आहत होने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी ही खबर सामने आई है पंजाब के जलंधर से, जहाँ एक मांस तस्करी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। इस फैक्ट्री में कई टन सौ का गौ मांस बरामद हुआ है। गौ मांस की पैकिंग कर रहे 13 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें से 12 रोहिंग्या मुस्लिम हैं और एक बिहार का मुसलमान है। दिल्ली का मुस्लिम व्यापारी इमरान यहां पर गैर कानूनी तरीके से गौ मांस की पैकिंग करवा रहा था। हिंदू संगठनों के नेता, गौ सेवा कमीशन के पूर्व चेयरमैन कीमती भगत, शिवसेना नेता ईशान शर्मा ने इस बारे में शिकायत दी थी। गौ रक्षा दल के सदस्यों ने बकायदा प्लानिंग के साथ आदमपुर पुलिस थाना इलाके के घोमड़ी गांव में सड़क पर स्थित फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और पुलिस के साथ वहां छापेमारी की। इस कार्रवाई को अंजाम देने में गौ रक्षा दल की अहम भूमिका रही। इस दौरान पर मौजूद रहे शिवसेना नेता ईशांत शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, जालंधर की सड़कों पर घूमने वाली गायों को निशाना बनाया जाता था, उनकी हत्या कहीं और की जाती थी, लेकिन यहां से पैकिंग कर उसे विदेशों तक भेजा जाता था। गौमांस बरामदगी और बड़ी संख्या में रोहिंग्या घुसपैठियों के पकड़े जाने की सूचना मिलने के बाद जालंधर देहात के SSP मुखविंदर सिंह भी मौके पर पहुंचे और पुलिस की टीमों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर पकड़े गए बिहार के युवक ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, उसे 2 दिन पहले चिकन पैकिंग के काम के लिए कहकर लाया गया था, लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा था। यहाँ पैकिंग यूनिट है, गौमांस कहाँ से आता है उसे नहीं पता। इस मामले में गौरक्षा दल के प्रधान सतीश ने बताया, बिहार से लेकर दिल्ली तक गौमांस की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। वहीं से जानकारी मिली थी कि जालंधर में भी ये घिनौना काम अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने लोकेशन का पता किया और फिर पूरे मामले की रेकी की गई। जब पूरी तरह से ये पता चल गया कि अंदर क्या हो रहा है, तब पुलिस को सूचना देकर छापेमारी कराई गई। स्थानीय पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।